आज हम कड़कनाथ मुर्गी के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि कड़कनाथ जो मुर्गी है ये मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ की प्रजाति है, जो आदिवासी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ पाली जाती है। अगर इसकी हार्डनेस के बारे में बात करें तो इसमें काफ़ी हार्डनेस होती है और इसकी जीभ, कलकी और मांस जो होता है ये बिल्कुल काले रंग का होता है, यहाँ तक कि हड्डी भी काले रंग की होती है और जो इसका खून होता है वो भी काले रंग का लगभग दिखाई देता है। और इसके मीट में जो खासियत होती है, प्रोटीन अधिक है और कोलेस्ट्रॉल और वसा कम मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे डायबिटीज और हृदय रोग के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी कारगर है। और इसके अंडा भी जो है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। इस प्रकार से अगर मार्केट वैल्यू देखें तो और मुर्गे की अपेक्षा इसका जो रेट है वो भी किसान भाई को अच्छा मिलता है। जो किसान भाई मुर्गी पालक हैं और मुर्गियों से अंडा लेते हैं, उनकी अधिकतर ये समस्या रहती है कि हमारी मुर्गी अंडा खा रही है। इस प्रकार से देखें जो एक कड़कनाथ का जो मुर्गी फार्म है इसमें भी ये समस्या आई थी। अगर हम देखें तो कई लोग कहते हैं भाई मुर्गी की चोंच काट दे जिससे फिर मुर्गी अंडा नहीं तोड़ेगी, तो हमने एक ऐसा इनोवेटिव कार्य किया है, यानी नवीनीकृत कार्य किया है कि इसमें मुर्गी की चोंच वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, पहले क्या होता था कि मुर्गी एक अंडा दे रही है और दूसरी मुर्गी उस अंडा खाने के लिए तैयार बैठी है, तो हमने क्या किया है, ये हमने एक लकड़ी का बॉक्स बनाया है। अगर बॉक्स की बात करें तो इसकी जो नीचे से जो लंबाई है वो 1.5 फीट है और ऊंचाई भी 1.5 फीट है और इसकी गहराई भी 1.5 फीट है। और पीछे हमने इसमें जो है एक लकड़ी की फट्टी लगाई है और एक बराबर में फट्टी लगाई है। और इसकी जो गहराई रखी है, जहाँ ये फट्टी दिखाई दे रही है, ये फट्टी जो दिखाई दे रही है इसके जो पीछे है लगभग 6 से 7 इंच गहराई है और उसके पीछे हमने एक पट्टी लगा दी है। तो क्या होता है, और इसको हमने 2 से 2.5 इंच की ऐसे स्लोप में रखा है, जिस जैसे ही मुर्गी अंडा देगी तो स्लोप के कारण क्या होगा, अंडा लुढ़क करके पीछे चले जाएगा।